हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री N2। सो आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की, जिसको कहेंगे एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। हमारे पास बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, माइंड इट, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, ना ही यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी बदलेगी। सिर्फ फिजिकल स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएगा, उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा, उसका केमिकल स्टेट चेंज होने वाला नहीं है। हम कुछ फिजिकल स्टेट्स को चेंज होते हुए देखेंगे और हम उसमें पढ़ेंगे कि हम उनको अलग अलग वर्ड्स में हम कैसे एंथैल्पीज को डिस्क्राइब करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंथैल्पी क्या होता है। मैं जस्ट एज अ क्विक रिवीजन बता देता हूं, अगर आपने पहले के प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक ओपन कंटेनर के अंदर किसी प्रोसेस को कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनी प्रोसेस इन ओपन कंटेनर, तो उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो वर्क डन की वजह से आ सकता है और एक तो हीट की वजह से आ सकता है। तो हीट दैट इज एडेड इनटू अ सिस्टम, और वो भी एक ओपन कंटेनर में, अगर मैं एक ओपन कंटेनर में ये काम कर रहा हूं तो उसके अंदर जितना भी हीट ऐड किया जाता है उसको हीट एडेड कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं। अगर मैं बहुत सारे प्रोसेस करता हूं ओपन कंटेनर में तो हर एक प्रोसेस का अपना एंथैल्पी होगा। मैं उन अलग अलग एंथैल्पीज को अब पढ़ना चाहता हूं, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंथैल्पी, जिसमें सबसे पहले मेरे पास आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था, पर मैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई चीज सॉलिड स्टेट में होती है और सॉलिड स्टेट से सडनली वो अगर लिक्विड स्टेट में चली जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वहां फ्यूजन हुआ है। सो प्लीज डू रिमेंबर फ्यूजन। हम बहुत बार इसको मेल्टिंग वर्ड भी यूज करते हैं, तो हम इसको फ्यूजन कहेंगे। आप इसको मेल्ट मत यूज करना, अभी साइंटिफिकली हम इसको फ्यूजन कहेंगे। सो व्हेनेवर अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, हम उसको कहेंगे कि वो फ्यूजन हुआ है। मतलब क्या है, मान लो मेरा जो आइस था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, उसने 40 किलो जूल्स का हीट एब्जॉर्ब किया। सो लेट मी राइट ओवर हियर 40 किलो जूल्स। 40 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्सपांड हो गया और वो किस में चला गया है, लिक्विड में। तो सर जो हीट अंदर गई है वो अंदर जाके स्टोर नहीं हुई है, वो हीट वर्क डन करने में काम आ गई है, एंड दैट हीट इज यूटिलाइज्ड टू एक्सपांड। तो आपको जो लिक्विड मिलेगा उस लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, अगर वो हीट अंदर जाके वहीं रहती, और अगर ये सॉलिड मेल्ट नहीं होता तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता। बट अनफॉर्चुनेटली वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो मेल्ट हो गया है। तो कहना है इसे हीट एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग वर्क, और ये कंडीशन जो हमने यहां लिखी है इसको आइसोथर्मल कंडीशन कहा जाता है। तो कहना है इसे माय फ्यूजन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैं कहूंगा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। Now, what do you mean by enthalpy of fusion? Sir, अगर मेरे पास किसी भी चीज का 1 mole है और अगर वो सॉलिड स्टेट में 1 mole, प्लीज याद रखना यहाँ 1 mole बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन वर्ड्स हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको लिख देता हूँ। पहला आता है यहाँ पे 1 mole बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा यहाँ पे आएगा इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तीसरा यहां पे आएगा इट्स कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि एंथैल्पी का वर्ड यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, यहां टेम्परेचर चेंज नहीं होला इसलिए इस बार इसमें आइसोथर्मल होना चाहिए, और जो भी आप करते हो वो 1 mole के लिए करते हो। तो सर 1 mole सॉलिड को अगर फ्यूज होने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ता है जिससे उसका टेम्परेचर चेंज ना हो और वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, उसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड बाय 1 mole ऑफ एनी सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट विदाउट अंडरगोइंग अ चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आई होप क्लियर है। सर सिमिलरली मेरे पास अगला टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सर मानो आपके पास एक लिक्विड है, यू हैव गॉट अ लिक्विड जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक मिनट इसको जरा अच्छे से पढ़ते हैं। मान लो आपके पास एक आइस था, यू हैव गॉट एन आइस, तो आपके पास एक बर्फ है, सो आइस है आपके पास, कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपने उस आइस को हीट किया हल्का सा और उस आइस ने 40 किलो जूल्स का हीट एब्जॉर्ब किया, 40 किलो जूल्स, और वो चला गया है लिक्विड में। तो सर इस लिक्विड का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्यूजन हुआ है। नाउ जब वो लिक्विड स्टेट में आ गया है, नाउ इट्स इनटू लिक्विड स्टेट, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 40 किलो जूल का एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आया है। अब आप इसको और हीट करो, अब जब आप इसको हीट करोगे तो वर्क नहीं डन कर रहा है,
अब जो आप हीट इसमें डालोगे वो हीट उसके अंदर जाके स्टोर हो रही है, क्योंकि अब पानी जैसे ही 0 डिग्री पे आया अब उसको लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करेगा, जितनी भी आप एनर्जी उसको दे रहे हो वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो अब यहां से जब आप लिक्विड को हीट करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे, लिक्विड हीट होते जाएगा और लिक्विड हीट होने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, यानी मेरे लिक्विड ने एनर्जी को स्टोर किया। तो मैं यहां लिख सकता हूं एनर्जी इज स्टोर्ड। तो मैं क्या कहूंगा, ये आइसोथर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ है, 100 डिग्री का चेंज आया, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया है, 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। तो इट्स नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, नाउ माय वाटर इज बॉइलिंग, इट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो बंदा सडनली, दैट वाटर सडनली एब्जॉर्ब्स लेट अस से 60 किलो जूल ऑफ एनर्जी और वो चला जाता है वेपर स्टेट में। नाउ यू टेल मी वन थिंग, वो लिक्विड था अब वो वेपर स्टेट में चला गया, लेकिन लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने के लिए उसने 60 किलो जूल का एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो क्या वेपर का टेम्परेचर 100 रहेगा कि 100 से ज्यादा रहेगा? सर ये वही क्वेश्चन होगा जो मैंने पहले पूछा था। सर 100 डिग्री पे बर्फ था, जीरो पे था, हीट एब्जॉर्ब किया, मेल्ट हुआ, लिक्विड हो गया, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि जितना हीट एब्जॉर्ब किया उतना उसने एक्सपांड किया, 0 डिग्री। अब आपने इसको हीट किया, हीट होते गया होते गया होते गया, 100 डिग्री आ गया। 100 डिग्री से उसने इस 0 से 100 के बीच में उसने एनर्जी स्टोर करते गया करते गया करते गया। नाउ इट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब उसने 60 किलो जूल का एनर्जी एब्जॉर्ब किया क्योंकि अब उसको और एक्स्ट्रा 60 चाहिए। तो अब उसको 100 डिग्री पे आने के बाद 60 किलो जूल एनर्जी का जरूरत पड़ेगा फ्रॉम लिक्विड स्टेट कि वो वेपर स्टेट में जा सके। आई होप समझा। तो जब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएगा तो वो एक्स्ट्रा 60 किलो जूल जो अब एब्जॉर्ब करेगा वो अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, उससे वो अपना फिजिकल स्टेट बदलने वाला है। सो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट जब वो गया तब उसने 60 किलो जूल का हीट एब्जॉर्ब किया, तो यहां उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा सर, अभी भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, अभी भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं ये प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन, यानी लिक्विड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो कैन आई से वेपराइजेशन इज आल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस? यस, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। 100 डिग्री पे आने के बाद उसने अपना हीट एब्जॉर्ब किया और बिना टेम्परेचर चेंज किए इट वेंट टू वेपर स्टेट एंड दैट टू एट 100 डिग्री सेल्सियस इटसेल्फ। So how will you define vaporization? Sir, one mole liquid को उसके boiling point पे पहुंचने के बाद और कितना extra energy का जरूरत पड़ता है so that वो liquid state से vapor state में जा सके, that will be called as enthalpy of vaporization. I define it, the amount of energy that is required by one mole of a liquid at constant temperature and pressure to convert itself from a liquid state into a vapor state is called as enthalpy of vaporization. I hope clear है। सर एक क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 0 डिग्री सॉलिड से 0 डिग्री लिक्विड जाने में 40 किलो जूल का हीट एब्जॉर्ब किया, चलो समझ में आया। 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री वेपर में बनने के लिए उसने 60 किलो जूल का हीट एब्जॉर्ब किया, समझ में आया। सर बीच में जब वो लिक्विड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे गया यानी फ्रॉम 0 टू 100 गया तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया, ये आप कैसे बताओगे? द अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि सर जब वो 0 पे था सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से जब वो और लिक्विड पे गया दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 100 जाने के बीच में उसने हीट को स्टोर किया है, उस हीट से वर्क डन नहीं किया है, तो कितना हीट स्टोर किया है सर, मुझे कैसे पता चलेगा कितना हीट स्टोर किया है? सो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज इसको याद रखना। सर हम लोग यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का यूज करेंगे जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, मैं इसको क्यू स्पेसिफिक लिख के छोड़ देता हूं, दैट इज क्यू स्पेसिफिक। सर स्पेसिफिक हीट, लेट अस से मेरे वाटर का स्पेसिफिक हीट है, आई एम टेकिंग अ रफ वैल्यू, दैट इज 8.2 जूल्स पर ग्राम। सर इसका यूनिट आता है जूल्स पर ग्राम, मतलब अगर मेरा पानी है और अगर मेरा पानी 1 ग्राम है, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर मेरा पानी 1 ग्राम है, उस 1 ग्राम पानी को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है टेम्परेचर उसका, आई गॉट 1 ग्राम ऑफ वाटर, और अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस से उसको आपको 1 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज लाना है 1 ग्राम पानी में, तो कितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको क्यू स्पेसिफिक कहा जाता है।
आई होप समझ में आया। तो आप मानो आपके पास m ग्राम्स है, आई डोंट नो कितना ग्राम है पानी, पानी अगर मैं 1 मोल लूंगा तो 18 ग्राम हो जाएगा। आपके पास m ग्राम है और उस m ग्राम को उसका टेम्परेचर चेंज करना है डेल्टा टी से। अगर m ग्राम को डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करना है तो बोलो कितना हीट का जरूरत पड़ेगा। तो 1 ग्राम को 1 डिग्री से करने के लिए क्यू स्पेसिफिक का जरूरत पड़ता है। तो m ग्राम को डेल्टा टी से चेंज करने के लिए कितने का हीट का जरूरत पड़ेगा, तो टोटल हीट विल बी इक्वल टू क्यू स्पेसिफिक, दैट इज 1 ग्राम को 1 डिग्री से करने के लिए कितने का जरूरत पड़ा, मल्टीप्लाई आप कितने ग्राम को कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर m ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय कितने डिग्री सेल्सियस से चेंज कर रहे हो, डेल्टा टी से। सो दिस इक्वेशन विल हेल्प यू टू कैलकुलेट कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ है अंदर 0 डिग्री से 100 डिग्री जाने के लिए। तो मैं इसको लिख देता हूं हीट स्टोर्ड, तो मैं इसको लिख देता हूं टोटल हीट विल बी इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, क्यू स्पेसिफिक मल्टीप्लाइड बाय m यानी मास, जितना ग्राम, जितने ग्राम पानी को आप कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी यानी कितना टेम्परेचर से चेंज कर रहे हो। आई होप समझ में आया, मैं बहुत गंदा करके लिख रहा हूँ, बट आई एम सॉरी, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ लिखना है और जगह कम पड़ जाती है। आई होप क्लियर है चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया कि वेपराइजेशन, फ्यूजन, ये सब आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं और ये करते समय जब वेपराइजेशन होता है उस समय करते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता। माइंड इट, 0 डिग्री से 100 डिग्री जाते समय हीटिंग होता है, वहां एनर्जी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, पर आइस 0 से वाटर 0 में कन्वर्ट होते समय कोई हीटिंग नहीं होता, वहां पर सिर्फ एनर्जी यूज इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू वर्क डन। आई होप द फंडा इज क्वाइट क्लियर। So coming up to the next topic, that is enthalpy of sublimation. मुझे लगता है अब तक आप समझ गए रहोगे कि अगर मेरे पास एक सॉलिड है, आई हैव गॉट अ सॉलिड जो कि अगर लिक्विड स्टेट में चला जाता है, तो मेरे पास ये लिक्विड स्टेट है तो हम इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। अगर वो लिक्विड स्टेट से इट गोज इनटू वेपर स्टेट तो हम उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। तो यहां से यहां जाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए जितनी भी एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है उसको एंथैल्पी ऑफ क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए जितनी भी एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। पर अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में जाए बिना अगर वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है तब कितनी एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, उसको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मुझे लगता है मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए रहोगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कितने मोल के लिए रहेगा, 1 मोल के लिए, और उसमें भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं बदलेगा क्योंकि जितना भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा वो एक्सपांड करने में, वर्क डन करने में यूज करेगा। तो हाउ कैन यू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सॉलिड टू सब्लाइम इनटू अ गैसियस स्टेट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है, कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, सर हमारा अगला टॉपिक कहता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नाउ द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी क्वाइट क्लियर टू से, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है एटम बनाने में कितनी एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट मी से मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, सो अगर ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, आई हैव गॉट अ मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल, अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। सो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। व्हाट इज हाइड्रोजन, एटम, व्हाट इज दिस हाइड्रोजन, एटम। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल में से एटम्स को जनरेट करना है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव टू सप्लाई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये भी कितने मोल के लिए होगा, 1 मोल के लिए होगा। प्लीज, 1 का मतलब 1 मॉलिक्यूल नहीं होता है, 1 का मतलब 1 मोल होता है। 6.022 × 10⁻³ हाइड्रोजन एटम्स को तोड़ने, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर मुझे बताना, मान लो मेरे पास एक मेटल है और वो सॉलिड स्टेट में है, आपने उसको हीट किया और आपने उसको लिक्विड स्टेट में ले गया, तो क्या इस एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहेंगे? नहीं सर, वहां तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में गया है, उसके बाद आपने उसको हीट किया, वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला गया, अब वो गैस बन गया है। मतलब मेरे पास एक सॉलिड था, आपने इसको हीट किया, ये मेल्ट हो गया, मेल्ट करने के बाद और हीट किया, अब ये गैसियस स्टेट में चला गया। इसके बाद वंस योर मेटल या वंस योर एटम इज इनटू अ गैसियस स्टेट, उसके बाद आपको और कितनी एनर्जी डालने की जरूरत पड़ती है ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके, तो ये क्या बन जाएगा, मेटल प्लस, यानी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कटायन और बाहर क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो गैसियस स्टेट में आने के बाद
और कितना एनर्जी देना पड़ता है उसको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे। प्लीज याद रखना, सॉलिड से लेके वहां तक काउंट नहीं करते। सॉलिड से लिक्विड बनने को फ्यूजन कहेंगे, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने को वेपराइजेशन कहेंगे। नाउ वंस योर एटम इज इन अ गैसियस स्टेट, और कितना एनर्जी दो भाई तेरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। प्लीज याद रखना इस चीज को। ये भी हम लोग वन मोल के लिए करते हैं, भाई वन मोल के लिए बताओ कितना है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे कि अब मुझे कितना और एनर्जी देने का जरूरत है, सिंस द वर्ड एंथैल्पी इज यूज्ड ओवर यू।